हलवे कोलों साग सरों दा चंगा बेवफा सजन कोलों ओ यार चुड़े दा चंगा माशाल्लाह मुर्शद दे दर वाजे उते मोहकम लाए जो का नवे नवे ना यार बनाए वाग कमीने लोका अल्लाह दर्द मदादी ओ दर्द मदादी यारी एवें जीवें दुकान लुहारा दर्द मदादी यारी एवें जीवें दुकान उतारा सौदा पावे लहिए न लहिए उल्ले मिलन हजारा ते बेदर्दा दी यारी वे जीवे दुकान लुहारा कपड़े पावे कुंज कुंज बहिए अल्लाह छिनका पवन हजारा हजरत मीरा शाह मुकीमा तेरा शान ज़्यादा सोना सखी जिदे घर जाया अली अमीर शहजादा नूरी मलक करें दे चोरी हूरा मंगल गाया बाला पीर लखां दा दाता माशाल्लाह ओ धन माई जिस जाया आलम ते रुशे नाई होई चढ़िया चंद नूरानी हसनी सैयद पैदा होया ओ सूरत यूसुफ सानी माशाल्लाह ये वैसे मनकबत बहुत लंबी है लेकिन आखिरी शेर इसका पढ़ता हूँ अल्लाह अल्लाह हुजरे अंदर खुरिया बैरा दीन डर के मारे लाल बहावल शेर कलंदर ओ दम दम नाल पुकार ओ दमड़ी वाला लाल तू साडा ते जिस दी है मंजूरी पाक जनाब एना दे अंदर ओ सानू करो हजूरी ले ओ यार हवाले रब दे ते मेल चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फेर मिलागे माशाल्लाह 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये सरदार शहजाद अजीज भाई उसामा और मेरे दोस्त हैं तो इन्होंने कलाम पढ़ा मियां मोहम्मद बख्श साहब का ये हजरत और भुल्ले शाह बाबा जी और हमारे पठानों के अब्दुल रहमान बाबा ये बहुत ऊंचे लोग थे एक तो उलमा थे
और एक लोग मतलब ये कि सूफी और पीरी मुरीदी में इसको इनको डाल लेते हैं, ये शिर्क को बिदत के दुश्मन थे, तौहीद और सुन्नत से मोहब्बत करने वाले थे। इनके साथ ये नुकसान हुआ कि इन बुजुर्गों के मज़ारात को हमने कारोबार और शिर्क बिदत का अड्डा बना दिया। एक गलती हमने ये की। दूसरी गलती ये की कि इनको हमने सूफी और बुजुर्ग को समझा थे, ठीक है, लेकिन हमने इनको इन्हें गोया कि इन्होंने बिदत और शिर्क को रिवाज दिया नहीं, इन्होंने तौहीद और सुन्नत की मेहनत की। तीसरी बात यह कि ये कितना अच्छा कलाम सरदार शहजाद भाई ने पेश किया, लेकिन इनके साथ हमने ढोल ढमक के मारने शुरू कर दिए। अब्दुलरहमान बाबा, गनी बाबा जो नेहल पार्टी के थे, वो उलमाए सू के मुखालिफ थे, वो खुद हाफिज कुरान थे, तहज्जुद पढ़ते थे, इसके बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया, उसने मुआफ कर दिया। हाँ, और खान बाचा खान साहब मौलाना मुदिल हसन देवबंदी साहब से बेयात थे, तहज्जुद पढ़ते थे, पांच वक्त नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के वली थे। इसी तरह तो इनके कलाम के साथ भी लोगों ने ढोल ढमक के बजाना शुरू कर दिया। अब्दुलरहमान बाबा, बुल्ले शाह बाबा, इसी तरह जाना ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे। फतह आलमगीरी के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला के नामों के साथ कुरान और हदीस के साथ ढोल बजाना कसदन, और इसको जायज़ समझना, जायज़ समझना, ये कुफर है। फतह आलमगीरी जी नंबर 5 किताब कराई है। तो ढोल ढमक के हराम है, कुरान में भी है, लहुल हदीस।